हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। लो विक्स मार्केट, उसमें भी ट्रेंड प्ले करना है और सिस्टमैटिक प्ले करना है और उसमें भी कमाना भी है। हालांकि वी एट IVBM हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ वीडियोस, अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, लो विक्स, हाई विक्स। मैंने आपको ये तक समझाया है कि किस विक्स में किस समय आपको स्टॉक्स बाय करने चाहिए, किस विक्स में किस समय आपको स्टॉक्स बेच देना चाहिए With proofs की when the market is overvalued, undervalued, when there is blood on the floor. लेकिन आप हैं कि आप लोगों की demands पूरी ही नहीं होती। देखिए दोस्तों, पहली बात, एक बात याद रखिए कि IVBM पर आज तक जो भी आपको strategies provide की गई हैं, no matter what, if you are a disciplined trader or an investor, you would always make money. जल्दबाजी, एक महीना देख लेना, 15 दिन देख लेना, 2 दिन में सौदे को गलत मान लेना, ये सब काम करने से आपको बाजार में पैसे नहीं आने वाले। मार्केट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। देखो, दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स जो हैं, वो एनुअलाइज्ड 16% से 18% एनुअल टारगेट करते हैं, एनुअल, ठीक है ना। द लोअर द FD रेट्स, the lower would be your returns, because lower would be the premiums, and lower FD rates means high inflationary situations. इस बात को याद रखिए, FD का रेट बढ़ेगा तो आपके returns भी बढ़ेंगे, क्योंकि हर किसी पे एक systematic return देने का pressure आता है। अगर FD के rates कम है, that is risk free rates कम है, तो आपका रिटर्न भी उसी प्रोपोर्शनेट में थोड़ा बहुत तो कम होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब आप लोग अगर एक सिस्टमैटिक ट्रेड पे चल रहे हो तो आपको लॉस कभी नहीं हो सकता, और एनुअलाइज्ड 24% के आसपास का रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, मिनिमम जो हम बात करते हैं। लेकिन उसमें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आपका एक एक ट्रेड, आपका एक एक डिसिप्लिन, आपका एक एक वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लिप फ्लॉप सब ढूंढ। कभी ओवर एक्साइटेड मत होइए, कभी कहीं प्रेशर में मत आइए, कभी बहुत नेगेटिव मत हो जाइए, डिप्रेस्ड मत हो जाइए कि कभी बहुत एक्साइटेड हो गए, कभी बहुत डिप्रेस्ड हो गए। सिस्टमैटिक आप अपने आप से पूछो कि कौन सी ऐसी वॉल्यूम है जिस पे अगर मैं कंसिस्टेंट चलता रहूं पूरे साल, और उस पे कभी M2M आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़े। What is the maximum M2M your brain accepts for the fund you have invested into the market? उस हिसाब से वॉल्यूम चढ़ाओ। उस हिसाब से अगर वॉल्यूम चलाओगे तो कभी प्रेशर नहीं आएगा और बाजार जिंदगी भर आपको रिटर्न देता रहेगा। और इसी वजह से हमने आपको कई वीडियोज वो भी दिए जिसमें आप कंसिस्टेंट कब, क्यों, कैसे वॉल्यूम कंसिस्टेंट बढ़ाओगे, वो तक आपको समझ में आए। कंसिस्टेंट वॉल्यूम बढ़ाओ, मतलब प्रॉफिट से ही वॉल्यूम बढ़ाना। हाउ डज अ बिजनेस ग्रो, इस बात को समझो। एक बिजनेस बड़ा बनता है बाय इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट्स यू हैव अर्नड इन द बिजनेस बैक इनटू द बिजनेस। यानी आपने बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया उसमें से खर्च चलाने का पैसा आपने निकाला और बाकी पैसा री इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर ही। उसी चीज से बिजनेस आगे जाता है, और बाजार भी एक तरह का बिजनेस ही है। एक समय ऐसा आता है कि आपका री इन्वेस्टमेंट मनी से जो वॉल्यूम इंक्रीज होती है ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, वो इतना बड़ी हो जाती है कि आप कहते हो कि अब री इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस अब काम करते जाना है कंसिस्टेंट ऑन द सेम वैल्यू, और वहीं पर आपकी जीत होती है। ये काफी ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, और बाजार में मेरा मानना तो यही है कि द मार्केट इज नेवर बिल्ट टू गिव यू लॉसेस, मार्केट इज ऑलवेज बिल्ट टू गिव यू ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। आपका लालच, आपकी ग्रीड, आपका डर, आपका फेयर ही आपको लॉसेस करवाता है, और वो बात मैं हमेशा बोलता रहूंगा, योर ग्रीड एंड योर फेयर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम यू ट्रेडेड इन द मार्केट। इफ ग्रीड एंड फेयर आर द डेविल्स ऑफ द मार्केट, देन वॉल्यूम इज देयर फादर। अब आप लोगों का दूसरा बात आती है कि सर वॉल्यूम नहीं चलाते तो स्वैग नहीं आता। बाजार आपको स्वैग या किक देने के लिए नहीं बना। अगर आप बाजार में स्वैग या किक लेने आ रहे हो तो इससे अच्छा कसीनो चले जाया करो, ज्यादा अच्छी किक भी मिलेगी और ज्यादा अच्छा स्वैग भी मिलेगा, और विद लॉट ऑफ ड्रिंक्स ऑल्सो, ठीक है ना। यहां बैठ के किक और स्वैग लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट्स, सिस्टमैटिक एंड कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो
आज की मेरी स्ट्रैटेजी आपको एक खास तरह का पोजिशनल ट्रेड करना सिखाएगी। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए खास तौर पे एप्लीकेबल है जो जॉब्स पे जाते हैं, जो बाजार पे बहुत कम टाइम दे पाते हैं लेकिन फिर भी एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन ट्रेड करना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों को कैटर। सो माय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर पोजिशनल ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो माय फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट द स्ट्रैटेजी, शुरू करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कलीग्स को हमारे चैनल आईबीबीएम इंडिया के बारे में बताइए ताकि वो बाजार से रियल रिटर्न्स कमा के, रियल नॉलेज लें, रियल रिटर्न्स कमाए और कंसिस्टेंट कमाए। प्लस नीचे दिए गए वंस इन अ मंथ फ्री वेबिनार का रजिस्टर करना ना भूलें। उसमें मैं और मेरे कलीग अनुज लाइव आते हैं, आपके क्वेश्चंस लाइव लेते हैं, आपके सारी क्वेरी सॉल्व कर देते हैं, नो मैटर पर्टेनिंग टू विच स्ट्रैटेजी, वेदर इट इज ऑन यूट्यूब, वेदर इट इज ऑन ऐप और एनी अदर कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग मार्केट यू माइट। तो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो महीने में एक बार आपके पास आती है। तो प्लीज नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द फ्री वेबिनार पे रजिस्टर। राइट, तो यहां तक बातें क्लियर हो जाती हैं। अब हमारा नाउ द फर्स्ट, देखो इसमें आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। द फर्स्ट थिंग दैट इज यूज्ड हियर इज नोन एज रेनको बार्स। आई डोंट नो इफ यू हैव एवर हर्ड ऑफ रेनको बार्स। मैं रेनको बार्स बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा, अगर आप कहोगे रेनको बार्स फिर कभी समझाएंगे। रेनको बार्स क्या करता है कि वो जो होता है वो तब तक एक कैंडल या एक ब्रिक, जो भी आप बोलना चाहो, नहीं बनाता है जब तक एक पर्टिकुलर मिनिमम मूवमेंट नहीं आ जाता। ठीक है ना, मिनिमम मूव नहीं आ जाता। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ रेनको ब्रिक्स। मान लेते हैं कि एक रेनको ब्रिक 40 पॉइंट्स की है ऑफ निफ्टी। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रेटजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाए? तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ठीक है ना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 40 पॉइंट्स ऑफ निफ्टी की हमने एक रेनको ब्रिक अज्यूम कर ली, अजम्पशन है ये, मैं जस्ट मान रहा हूं, ये बनती अपने आप है, आपको नहीं बनानी, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं। तो मान लेते हैं निफ्टी 19,500 पे स्पॉट है। तो जब तक निफ्टी 19,540 दैट इज प्लस 40 पॉइंट के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, या फिर 19,460 दैट इज माइनस 40 पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं हो जाती, तब तक रेनको का नया ब्रिक नहीं बनता। दैट इज अगर निफ्टी इस 80 पॉइंट्स में घूमती रही तो आप देखोगे कि रेनको का कोई ब्रिक बनेगा ही नहीं। That means it is made to absorb the volatility. अब ये बनती कैसे है, इस बात को भी हम थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इनका कंस्ट्रक्शन लाइव भी दिखा दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है ना, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी के पार्ट्स करवाऊंगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ आपने कौन सा ऑप्शंस क्यों और कैसे ट्रेड करना है इन वॉट एवर विक्स यू आर से। अब मान लेते हैं निफ्टी 19,500 पे चल रही है, ठीक है, दिस इज द स्पॉट और आपका एक ब्रिक है रेनको की, दिस इज द रेनको ब्रिक, सो हम इसे पार्टीशन कर लेते हैं। तो दिस इज द रेनको ब्रिक पार्ट एंड दिस इज अ नॉर्मल कैंडल पार्ट, दिस इज द नॉर्मल कैंडल वेयर दिस इज 19,500 एंड दिस इज ऑल्सो 19,500, बट दिस इज रेनको एंड दिस इज कैंडल। अब होगा क्या, मान लेते हैं अगली कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनती है एंड इट क्लोजेज एट 19,520, सो 19,500 से 19,520 तक बनी, तो यहां आप रेनको में कोई चेंज नहीं देखो। अब अगली कैंडल एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, दैट इज 19,520 से, मतलब यहां से
एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है विच कम्स फ्रॉम 19520 टू 19480, ठीक है ना, मतलब मैंने गिरा दिया बाजार को 40 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, बट क्या प्रीवियस क्लोज दैट इज जो रैनको का लास्ट क्लोज था उससे प्लस माइनस 40 हुआ है? तो द आंसर इज नो, तो यहां पर अभी भी कोई रैनको नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब फिर यहां पर बहुत छोटी छोटी कई कैंडल्स बनती हैं, तो आप देखोगे कि रैनको ये सारी वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर लेगा, टोटल वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर फाइनली एक ग्रीन ब्रिक बनती है विच इज कहीं से भी शुरू हो रही है, मैं मानता हूं 19490 से एक शुरू होती है ब्रिक, 490 से एक कैंडल बनती है और सीधा 19550 चली जाती है। So this was a movement of plus 60 points in a candle, in a normal candle. तब रैनको जाकर यहां पर अगली एक ब्रिक बनाएगा, दैट इज 19500 से 19540, बनेगी 40 पॉइंट्स की, क्योंकि रैनको ब्रिक साइज क्या है हमारा 40, तो वो 40 40 40 40 पॉइंट्स की ब्रिक रखेगा। अगर एक साथ 80 पॉइंट्स की मूवमेंट आती, दैट इज मान लीजिए एक मूव आता, अब अगला मूव आता है, एक और ग्रीन कैंडल बनती है जो 19550 से सीधा, मैं बोल रहा हूं लेट सपोज 19540 580 620, तो एक ही कैंडल 550 से 19625 चली जाती है। तो यहां पर आप देखोगे सीधा दो ब्रिक्स बन जाएंगी, 540 से लेकर 580 एंड 580 से लेकर 620। तो रैनको ऐसे चलता है, मतलब अगर अब ये इसी रेंज, अब देखो 620 आ गया है तो ये 620 से प्लस 40 और माइनस 40 की रेंज ढूंढेगा इन ऑर्डर टू आइदर क्रिएट अ रेड ब्रिक और अ ग्रीन ब्रिक। अगर ऊपर ही जाता रहा तो ग्रीन ब्रिक्स बनाता रहेगा 40 40 की, नीचे जाता रहा तो माइनस 40 की ब्रिक्स बनाता रहेगा, बट इट एब्जॉर्ब्स द वॉलेटिलिटी ऑफ 80 पॉइंट्स, दैट्स अ वेरी गुड फीचर ऑफ रैनको। तो रैनको अपने आप में खासियत रखता है, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा मेरे दिल के भी करीब है, बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी और खास तौर पे इस तरह के लो विक्स एनवायरमेंट्स में बहुत काम आती है, राइट। दोस्तों देखो स्ट्रैटेजी इज वन पार्ट जो आप लोगों को हमेशा पसंद आती है, जिसपे आप रेगुलर काम भी करते हो और पैसे भी आते हैं, उसे एग्जीक्यूट करना, कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कौन सा ऑप्शन बेचना है, क्यों बेचना है, कैसे बेचना है, उस जगह बाजार में सबसे बड़ा पैसा होता है। दूसरा होता है आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट वॉल्यूम ट्रेडिंग, उस पे सबसे बड़ा पैसा, ठीक है। तीसरा होता है आपके इमोशंस, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि बाजार में हर कोई रिस्क फ्री नाम की चीज होती है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, रिटर्न्स ग्रेटर देन 30% ऑन एन एनुअल बेसिस नॉट अ बिग डील। हाँ, कभी ये मत करना कभी 10 लॉट चला दिए, कभी 2 लॉट चला दिए, अब तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूं तो काम ही नहीं कर सकता। बाजार नहीं जानता कि आप छुट्टी पे हो, मार्केट नहीं जानता कि आप घूम रहे हो। अगर आप ऐसा हो तो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजीज चलाओ, लेकिन जो स्ट्रैटेजी चला दी वो चलानी पड़ेगी, करना पड़ेगा उस पर काम, तभी आपको मैं ऐसी हिट एंड लीव स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं जिसपे आपको शायद कभी देखना भी नहीं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज। अब आपको रैनको ब्रिक समझ में आ गई है, रैनको ब्रेक समझ में आ गई है, कौन से ऑप्शन ट्रेड करने हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, कौन से ऑप्शन ट्रेड करने, तभी मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके बहुत सारे कंफ्यूजन है, नीचे दिए गए फ्री वेबिनार पे रजिस्टर कर लो। फ्री वेबिनार में आओगे, लाइव इंटरेक्ट करोगे, क्वेश्चन तरीके से पुटअप कर पाओगे, अपने आंसर्स ठीक से ले जाओगे। द मोर यू आस्क द मोर यू गेट, एक फैकल्टी आपको उतना ही सिखा सकता है जितना आप उससे पूछोगे, चुप होके क्लास में बैठने से कुछ नहीं मिलता है, बिलीव मी ऑन दिस पार्ट, राइट। तो यू मस्ट आस्क, यू मस्ट लर्न टू आस्क, दैट इज द बेस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस स्ट्रैटेजी में अब करना क्या है, अब सबसे पहले स्ट्रैटेजी को समझो। इस स्ट्रैटेजी में मैंने क्या किया, मैं शुरू से आपको समझाता हूं, मतलब इस स्क्रीन पर पहुंचने से पहले आपको इस स्क्रीन तक पहुंचाता हूं तब स्ट्रैटेजी समझाता हूं। अब यहां आ जाओ आप निफ्टी 50, ठीक है ना, निफ्टी, ये आपके पास निफ्टी 50 का चार्ट है, देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है, वन डे नॉर्मल हर कहीं जो भी आप किसी भी साइट को यूज कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले आप इसे कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट कर लो, दिस इज अ नॉर्मल कैंडल स्टिक्स, वॉल्यूम्स हटा दो, वॉल्यूम हट गई, देन इसमें टाइम कर दो 15 मिनट्स, 15 मिनट का टाइम कर दो,
क्योंकि रैंको चल रहा है तो 15 मिनट बहुत है, इससे ज्यादा मत जाना। फिर इसे आप रैंको कर, देखो रैंको, अब देखो ये पूरा चार्ट रैंको बन गया। अब ये नॉर्मल चार्ट नहीं है, निफ्टी या बैंक निफ्टी का नॉर्मल चार्ट नहीं है, दिस इज आर रैंको चार्ट, रैंको बार्स। अपने आप कर लेगा ATR 14, ये इसका ब्रिक साइज है, ये अपने आप बदलता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 मिनट रैंको लगा देना। फिर आपको इस चार्ट को दो हिस्सों में बांट देना, समथिंग लाइक दिस। ये सेम प्रोडक्ट, दैट इज सेम चार्ट, ये रैंको है निफ्टी का 15 मिनट, ये नॉर्मल निफ्टी कैंडल्स हैं, नॉर्मल रैंको कैंडल्स, मतलब दीज आर द निफ्टी रैंको बार्स 15 मिनट, एंड दिस इज निफ्टी नॉर्मल कैंडल्स 15 मिनट। अपने आप, आपको दिमाग नहीं लगाना है मैं क्या कर रहा हूं, आपको बिल्कुल ब्रेन से इनपुट नहीं करना, रूल्स आर रूल्स, वेरी क्लियर, वेरी इजी। अब ये जो रैंको बार्स है, इस पे आप लगा देंगे आपका एक फेवरेट इंडिकेटर विच इज सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड कई जगह लेने के बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि ये पहले से पहले मुझे स्टॉप लॉस बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से पहले स्टॉप मतलब सपोर्ट है। व्हाट इज अ सुपर ट्रेंड? सुपर ट्रेंड इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट एंड अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर आपने ये चार्ट जब आप लगाओगे तो आप देखो ये बिल्कुल ऐसी ही स्क्रीन बन जाएगी, दिस इज द सेम स्क्रीन, आप देख सकते हो सेम स्क्रीन, ठीक है। छोटे बड़े का फर्क हो सकता है, उससे मुझे फर्क। अब आपको ये चार्ट जो मैंने लगा रखा है, ये सिर्फ भाव देखने के लिए, इसका कोई और काम नहीं है, इससे सिर्फ आप भाव देखोगे, प्राइजेस देखोगे, सारा काम इधर से होना, सारा 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 काम इधर से, ठीक है ना। तो आपको सारा काम इधर से देखना है। अब देखो इसने आपको यहां नीचे देखना, डेट और टाइम आता है नीचे, ये ब्रेक पे आपको रैंको प्लस सुपर ट्रेंड दोनों में बाय है, तो आप रैंको के और सुपर ट्रेंड के बेसिस पे बाय उठाओगे, ये बाय उठा गया आपका। अब ये बाय अकॉर्डिंग टू रैंको ब्रेक हमारे पास आया है, मतलब 15 मिनट की कैंडल है, तो ये कैंडल स्टार्टिंग रैंको का बार कितने है, 9:30 बजे, तो अगली कैंडल कितने बजे है, ये देखिए 11:15, आपको नहीं पता। अब ये बार जब कंप्लीट हुई, कंप्लीट हुई मतलब निफ्टी की क्लोजिंग जो ऊपर आपको यहां दिख रही है रैंको बार में, देखिए जब मैं यहाँ कर्सर रखता हूं तो 18986, यानी कहीं ना कहीं 27 तारीख को 9:30 बजे के बाद 18986 से ऊपर की क्लोजिंग आई है, 18986, 18986 से ऊपर की क्लोजिंग आई है, और उसी जगह हमारा ये ट्रेड स्टार्ट होता है। तो हम गो टू डेट कर देते हैं सीधा 27:10, ठीक है ना, क्योंकि वही हमारा ट्रेड स्टार्टिंग डेट है इस पर्टिकुलर डेट की। ये देखिए, अब देखिए जब मैं यहां कर्सर रखता हूं ना, ये मुझे दिखा देता है कि इस कैंडल पे तुम्हारी ट्रेड आया है, देखो 17986। तो जनरली जब निफ्टी 18991 यानी यहां थी समझो, तब मेरा ट्रेड कमेंस हुआ है इस पर्टिकुलर कैंडल। यहां पर एक तरीके से रैंको ने मुझे बाय दिया है, यानी ये कैंडल और ये कैंडल दोनों मैच। उसके बाद दुनिया भर की वॉलेटिलिटी आ गई, लेकिन आप बाय में ही खड़े रहे, बाय में ही खड़े रहे ये सारी वॉलेटिलिटी, और आज तक भी बाय में हो, यानी बाजार यहां कित कहां पर था, ये देखो 18951 से आज की डेट में बाजार 19,884 यानी 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ चुकी है निफ्टी में, एंड यूनिवर्सिटी। इतना मोटा ट्रेंड आपको और कोई नहीं दे सकता। प्रोडक्ट कौन सा बेचना है या खरीदना है वो मैं बताऊंगा, होल्ड करो, ठीक है ना, मुझे भी होल्ड करो, मैं बताऊंगा। सेम में यहां देखो, ये एक सेल आया, ये सेल आया था 19:10 को, 16:19656 के आसपास, 19656 पर उसका बाय आया 18,900। ये वाली वॉलेटिलिटीज भी आएंगी, छोटे मोटे लॉसेस आएंगे, डरना नहीं, लेकिन इसमें लॉसेस नहीं होंगे, क्योंकि आप ये देखो ये 13 तारीख को सौदा बना, ये सौदा कटा 17 तारीख को, यानी 4 दिन की टाइम वैल्यू मिली है, और ये बना 17 तारीख को और कटा है 19 तारीख को, इसमें छोटा मोटा लॉस पॉसिबल है, लेकिन वो भी मैं आपको संभालने का तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद ट्रेंड ही ट्रेंड, बुरी से बुरी सिचुएशन में ट्रेंड,
वॉलेटिलिटीज आएंगी, इससे डरना नहीं, या ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी, लॉस नहीं हो लेकिन ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, तो आपको गेम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, गेम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गेम अब आप देखो कि जब ब्रिक, ये वाली ब्रिक का साइज जो है यहाँ, ठीक है ना, आप देख सकते हो कि करीबन 32 पॉइंट्स का है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा था यानी ओपन प्राइस 19816 से जब नीचे गया है, तब उसने आपको अगली ब्रिक देनी शुरू की है, तो रैंको अपने आप वॉलेटिलिटी हैंडल कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। ये वाला प्राइस सिर्फ भाव देखने के लिए है कि जब मेरे को यहां सौदा मिला, अब क्या ट्रेड है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो तो सुपर ट्रेंड भी बाय में आया और रैंको भी ग्रीन है, तो दिस इज द पॉइंट टू बाय। अब रेड रैंको बाहर से आपका कोई मतलब नहीं, जब सेल आएगा, मान लो रेड रेड, तो यहां दो रेड बन गए, तो सुपर ट्रेंड भी सेल में आएगा, दैट इज एसटी शुड ऑल्सो बी इन सेल, एंड रेनको का ब्रिक भी रेड होना चाहिए, दैट इज दोनों सेल में जब होंगे तो आप सेल मार, ठीक है ना, तब सेल मार देना यानी सेल आ जाए, और आप खड़े रहो, बेच के खड़े रहो या खरीद के खड़े रहो, और सब जीरो हो जाए, बड़े से बड़ी पोजीशन जीरो कर देंगे, बता रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग ये चीज है। अब रेनको के पैरामीटर्स, मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैरामीटर्स दे रहा हूं, ठीक है, रेनको के पैरामीटर्स डिफॉल्ट होते हैं हमेशा ATR 40, ये होता है रेनको का डिफॉल्ट पैरामीटर, रेनको ब्रिक्स, एक ये ब्रिक साइज वो ऑटोमेटिकली से ATR 14 के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिसाइड करेगा। हाँ, जो आपका सुपर ट्रेंड का साइज है वो कुछ खास होता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाकी सिचुएशंस। आप निफ्टी का साइज रखोगे 82.8 सुपर ट्रेंड फॉर रेनको, देखिए समझ लीजिए, रेनको 15 मिनट्स निफ्टी जब आप सिलेक्ट करोगे, तो ये तो डिफॉल्ट है ATR 14, ये डिफॉल्ट ही होता है। जो ST है फॉर ओनली निफ्टी 15 मिनट्स, उसका साइज होगा 82.8। ये फिबोनाकी के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड है, इन पे आप मत दिमाग लगाना कि सर ये कैसे आए। सेम वे बैंक निफ्टी का रेनको तो डिफॉल्ट है, आप देख सकते हो ATR 14, उसे मैंने नहीं बदला। जो आपका इसका साइज है, दैट इज सुपर ट्रेंड का साइज है, वो है 82.6, इस बात को याद, तो 82.6। और आप देखो रेनको अपने आप को खुद ही बैलेंस कर रहा है, सारी वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब करके अपने आप को वो खुद ही बैलेंस कर रहा है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स अब आप देखो, एक अगर मैं करंट सिनेरियो को देखूं, मतलब करंट डेट पे चले जाते हैं वापस, ठीक है ना, तो विच इज करंट सिनेरियोस, अब देखो कितना बड़ा फॉल आया है इसमें, लेकिन वो ब्रिक तभी क्रिएट करेगी जब 60 पॉइंट्स का मिनिमम मूव होगा, क्योंकि इधर रेंज, सॉरी 32 पॉइंट्स का मिनिमम मूव होगा, तभी वो ब्रिक क्रिएट। अब उसे प्रीवियस ब्रिक से 32 पॉइंट्स का मूवमेंट चाहिए, वो नहीं जानती, वो अकॉर्डिंगली ही आपको मूवमेंट देगी। अगर ये ब्रिक 15 मिनट में 32 के मल्टीपल्स में क्रिएट हो गई, तो वो मल्टीपल ब्रिक्स एक साथ के लिए क्रिएट कर देगी, आपको लॉस नहीं होने देगी, डोंट वरी। आपको तो 15 मिनट्स के सेशन पे देख लेना है कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, पर ऐसे मूव्स बाजार में आते रहते हैं, और रेनको बना ही इस तरह के मूव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, रेनको की यही खासियत है, रेनको बनता ही ऐसे मूव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आपका जो अगर यहाँ रेड ब्रिक्स आ जाए, सुपर ट्रेंड भी सेल में आ जाए, सिंपल से अपने कॉलों का पुटों का प्रॉफिट बुक करके कॉल। अब सवाल आता है कौन सी कॉले बेचनी है, कौन सी पुटे बेचनी है, कैसे बेचनी है, क्या बेचनी। तो स्ट्रैटेजी तो आई बिलीव समझ में आ गई होगी, सिंपलिस्टिक ब्यूटीफुल, बहुत रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी है ये, आप इसे जितना चाहो जितना मर्जी कर, कौन सी इस पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस पोजिशन, लेकिन आप देख रहे हो अपने आप बैलेंस कर रहा है, 15 मिनट बाद अपने आप देखोगे 3:15 बजे, दैट इज 3:50 आपको सेल ऑफ मिल जाए, ठीक। अब कौन सा प्रोडक्ट, देखो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर इस कैंडल पर आपका ट्रेंड आया, यानी इस रेनको ब्रिक पर आपका ट्रेंड, उस समय सुपर ट्रेंड का ये पॉइंट बन जाता है, तो दिस इज द पॉइंट कि जब प्राइसेस के नीचे जाएंगे तो मेरा SL कटेगा, मैं तो यही मानता हूं कि बाजार यहीं से पलट जाएगा और मेरा ये वाला SL बुक हो जाएगा, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो दैट आया, ये बाजार पलट रहा है मेरे को, ऐसा
दिस इज माई एसएल पॉइंट, दिस इज माई मैक्सिमम लॉस सिचुएशन, राइट। तो इस सिचुएशन को आपको कैटर करना है विच इज दिस पॉइंट, इस कैंडल पे यहाँ। अब जब आप इस कैंडल पे कर्सर रखते हो, इस पे कर्सर रखते हो तो, और इस पे क्लिक करते हो, देखो इस पे मैंने कर्सर रखा तो सुपर ट्रेंड की भी वैल्यू आ रही है 18870, ठीक है, बाजार ऊपर है तो मतलब 18870 इज योर स्टॉप लॉस 18870। तो आपको इससे जो भी अगली स्ट्राइक आती है उसे बेचना है, यानी इसे समझो यहां पर आप बेचोगे 18850 की पुटें, 18850 की पुट्स, समझ गए ना। मतलब ये जो स्टॉप लॉस था, ताकि जब एसएल कटे 99% सिचुएशन में वो कॉल आउट ऑफ द मनी ही बन गए या वो पुट आउट ऑफ द मनी ही बन गए, दैट इज व्हाट आई एम फाइन, और यही सही है, आउट ऑफ द मनी ही बनी रहा है, इससे पैनिक नहीं होता, मैक्सिमम थीटा आता है, दैट इज द वे यू हैव टू गो। कौन सा प्रोडक्ट बेचना है स्लो वीक्स में वो भी बताऊंगा, होल्ड करो आराम से। सेम वे जब ये वाला सौदा आया तो देखो सुपर ट्रेंड की वैल्यू थी 795, तो आप यहां बेचोगे 19,800 की कॉलिंग, ठीक है। यहां पर आओ, इस जगह जब इस जगह सौदा आया तो सुपर ट्रेंड था 19,804, तो 19,800 नहीं बेचनी, 19,850 की कॉलें बेचोगे, इस जगह आपको कुटे बेचनी, राइट। तो यहां पर सुपर ट्रेंड की वैल्यू है 19,666, तो 19,650, ठीक है, ये वाली आपने कुटे या कॉले बेचनी है, यानी जहां पर भी सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस है उससे नेक्स्ट नियरेस्ट एटीएम सब्जेक्ट टू दिस स्टॉप लॉस जो भी है उसे आप बेच, खड़े रहो, जीरो कर दो, जीरो कर दो। इस पे आप भल्ला कंसेप्ट भी लगा सकते हो, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड आवर भल्ला कंसेप्ट, लेकिन वो एक बहुत एडवांस कंसेप्ट है जो हम एडवांस ऑप्शंस में आपके साथ डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द पावर्स जो मैं हमेशा लगाता हूं अपने साथ, वो बहुत कूल चिल पैसा देती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे, तो यहां पर मैंने आपको स्ट्राइक सिलेक्शन समझा दिया, सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी, सेम गोज फॉर निफ्टी, ठीक। फिर निफ्टी के पैरामीटर्स कैन बी सेम एज बैंक निफ्टी। अब देखो यहां पर ये कैंडल क्लोज हो गई है लेकिन मेरा सुपर ट्रेंड में स्टॉप लॉस नहीं है, इतना नीचे नहीं जा पाया कि 32 पॉइंट्स की एक और ब्रिक ये वाली क्रिएट हो जाती, अगर ये वाली ब्रिक क्रिएट हो जाती तो मेरा चेंज आ जाता, हो सकता है बाजार यहां से पलट जाए, मुझे क्या पता। दे दिया उसने सबको, फोटो से निकाल दिया, सबकी फोटो को एसएल बुक करा दिया, हम ट्रेड में अभी भी खड़े हैं। अब यहां से देखो ग्रीन कैंडल बनाने बैठ गए, पलट गया तो पलट जाएंगे, अपना तो कुछ नहीं बिगड़ता। यस, क्योंकि यहां पर जो आपने पुट बेची होगी दैट इज आपने बेची थी 18,850 की पुट, और वो तो यहां आते आते वैसे भी खत्म है, 5-10 रुपए की रह गई होगी यहां पर। ये इस मूव का मुझे क्या फर्क पड़ा होगा, जो वो पुट 10 रुपए की थी 11 रुपए की, बस समझ के देखो। तो इधर मेरे को चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई स्ट्राइक बदलनी है, ये बदलनी है, ये सब बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है कि सर बाजार यहां से लेकर यहां तक पहुंच गया, क्या हम स्ट्राइक बदल दें, ये बदल दें, वो बदल दें, इससे प्रॉफिट बुक करके उसमें आ जाए, उसके डिस्कशन फिर कभी करूंगा। दिस इज अ वेरी एडवांस रेंको सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, प्योर हिट एंड लीफ, कुछ पैनिक वैनिक कुछ नहीं आता इसमें, खड़े रहते हो बस। ये देखो यहाँ पर 27 तारीख से लेकर आज 16 तारीख हो गई है, 20 दिन से कुछ हो ही नहीं रहा, खड़े हैं जी, जीरो कर दी कॉल ऑफ पुट। दैट इज द पावर दैट दिस स्ट्रैटेजी हैज, एंड वेरी एक्सॉर्बिटेंट पावर दिस स्ट्रैटेजी, थीटा बहुत डायनामिक थीटा, ठीक है। अब आप आराम से चिलपिल इसमें करते रहो। अब जब तक ये 32 पॉइंट्स पूरे नहीं हो जाएंगे ये ब्रेक बनेगी नहीं। ये देखिए ये हल्का सा कम रेडिश है, परफेक्ट रेडिश नहीं हुई है। ये परफेक्ट रेडिश तभी होगी जब 15 मिनट्स के बाद प्राइस एटलीस्ट इस पॉइंट से, दैट इज 19752 से 32 पॉइंट्स नीचे बंद, तभी वो रेड आएगी, नहीं तो वो रेड आने की ही नहीं। यस, दैट्स द सिचुएशन। अब फाइनली आता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बेचना। देखिए इसमें हमेशा आप मेन मंथ एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचोगे, मेन मंथ एक्सपायरी प्रोडक्ट, जो मेन मंथ का एक्सपायरी प्रोडक्ट है फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, यानी कि पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता। आप समझो आप नवंबर में चल रहे हो, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप फर्स्ट वीक में नवंबर मंथ मेन बेचोगे, नवंबर की मेन मंथ की एक्सपायरी बेचोगे, सेकंड में भी नवंबर की मेन मंथ की एक्सपायरी बेचोगे, बट इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर, मतलब किसी भी महीने में आप दिसंबर मेन बेचोगे,
यानी आप हमेशा थीटा ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर में लेकर आओगे थर्ड और फोर्थ वीक, खास तौर पे जब विक्स इज लेस देन 15, जैसे हमारी सिचुएशन है। अगर विक्स 20 से ऊपर चली जाती है तो आप थर्ड वीक में भी नवंबर में बेच सकते हो, अगर विक्स 20 से ऊपर चली जाती है तो थर्ड, लेकिन फोर्थ वीक में तो नेक्स्ट मंथ पे ही जाना है। अगर फोर्थ वीक में चेंज आ रहा है तो नेक्स्ट मंथ पर ही जाना है, करंट मंथ पे मत। मैक्सिमम थीटा अपने फेवर में लेकर आओ। अब जब ये आपने बेच दिया, पोजिशनल स्ट्रैटेजी है तो बिना हेजिंग के तो जाएगा, चाहे आप दिसंबर बेचो चाहे नवंबर बेचो, दैट इज करंट मंथ बेचो या नेक्स्ट मंथ बेचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, करंट बेचो नेक्स्ट बेचो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। करंट वीक की कोई भी कॉल पुट खरीद लेना हेज करने के लिए, करंट वीक की कोई भी कॉल पुट खरीद लेना, मैक्सिमम 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ सोल्ड कॉल या पुट। यानी अगर मान लो आपने 400 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेचा, सेल किया फॉर द मंथली एक्सपायरी, तो आप 20 रुपए की कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो हर हफ्ते हेज करते हैं, 20 रुपए, बस। इससे ज्यादा आपको हेजिंग चाहिए भी नहीं, बिलीव मी नहीं चाहिए, बेचो चिल पिल रहो, कंसिस्टेंट आएंगे। सो माय फ्रेंड्स, दिस वाज रेनको सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, अ प्योर हिट एंड लीव कंसेप्ट। कैसी लगी जरूर बताना, बैक टेस्ट करना वो भी बताना, और वॉल्यूम और डिसिप्लिन का ध्यान हमेशा। अगर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो हमेशा की तरह इनवाइटेड है, कमेंट्स का इंतजार जरूर रहेगा। अपग्रेडेड वर्जन भी दे सकता हूं, भल्ला कंसेप्ट भी समझा सकता हूं और चीजें करवा सकता हूं। पैसे बाजार सिर्फ पैसे देने के लिए बना है, इस बात पे विश्वास रखना। विद दिस वन फाइनल रिक्वेस्ट की ये स्ट्रैटेजी अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर, रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है, कंसिस्टेंट चलती है, ढंग से काम करोगे पैसा ही पैसा, बेढंगे तरीके से काम करोगे तो आपके पैसे। वॉल्यूम का डिसिप्लिन मत तोड़ना, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। फॉर विद दिस रिक्वेस्ट एंडिंग माय वीडियो, योर हिट एंड लीव मेंटर एंड योर होस्ट सुधांशु सिंह, थैंक यू।